हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सोनू गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों से। दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी खास। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव क्षेत्रपाल की तरफ, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। गाँव में आज यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है नया, तो उसी के उपलक्ष्य में भंडारा रखा गया है यहाँ पर। तो चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। चलिए गाइस, अभी मैं हूँ विलेज क्षेत्रपाल को कनेक्ट करने वाली रोड में। अभी ये कच्ची रोड है, देखिए ये सीधे जा रही है आगे विलेज मनेउड़ा से होते हुए क्षेत्रपाल के लिए इस तरफ। तो अभी यहाँ पे भंडारे के लिए सब्जी वगैरह काटी जा रही है। सही चल रहा है काम? बहुत बढ़िया। क्या क्या बन रही है आज सब्जी भंडारे में? आलू गोभी की सब्जी, छोले और सूजी और पूरी बन रही है भंडारे। यहाँ पे काटा जा रहा है अदरक। चाय के लिए है ये, सब्जी के लिए? ये सब्जी के लिए भी है, चाय के लिए भी है। रायते के लिए यहाँ पे खीरा को खीरा के साथ आ रहा है। देखिए हमारे गणेश भाई लगे हुए हैं। सही चल रही है सेवा? बिल्कुल परफेक्ट। और ये कद्दूकस भी काफी पुराना वाला है, दिखाइए जरा। पहले पुराने, ये 1947 का कद्दूकस है। ये गांधी जी लाए थे इसे दक्षिण अफ्रीका से। तो ये बन रहा है रायता मौनी वाला। स्वाद आ रहा है भाई? हाँ बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल ड्राई पड़ी नहीं इसमें? ड्राई भी पड़ेगी ना। तो ये है किचन, यहाँ पे बन रहा है खाना। अभी सब्जी वगैरह कट चुकी है, देखिए और खाना बनाया जाएगा। तो उबाला जाएगा ना पंडित जी अभी? केवल उबाला जाएगा, फिर तड़का लगेगा, बाद में तड़का लगेगा। वैसे छोले, अगर छोले अभी उबाल, अभी छोले उबालने रखे हैं, छोले उबालने रखे। यहाँ पर अभी देखिए बच्चे पताका बना के चिपका रहे हैं इसमें। ऐसे चिपकाया जाता है देखिए। हवा भी काफी तेज चल रही है। ये लो शिशु मंदिर के बच्चे हैं ना सारे। तो सामने है गाइस मंदिर, और यहाँ से चारों तरफ का अमेजिंग सा नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हम। हमारा कुलदेवता का मंदिर है, और जिसका हमने छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बनाए, एक धर्मशाला बनाई है, तो उसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन एक छोटा सा है और एक सूक्ष्म भंडारे का कार्यक्रम है। और इस निमित्त क्योंकि ये विद्यालय भी कहीं हमारा ही है और बच्चे भी सब हमारे हैं, तो एक सुंदरकांड का भी कार्यक्रम है, तो बच्चों को भी हमने इसमें सहभागिता के लिए, सहयोग के लिए यहाँ बुलाया है, ताकि
प्रोग्राम चल रहा है। क्षेत्रपाल में यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर एक मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सनातन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है इस मंदिर के द्वारा, और यहाँ की चारों ओर हरियाली को देखते हुए मैं इस स्थान को कोई जन्नत से कम नहीं कहूँगा। मैं प्रधानाचार्य सुरेश जोशी विपिन सरस्वती विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल गागरीगोल से, बड़ा हर्ष का विषय है आज हमको क्षेत्रपाल ग्रामवासियों के द्वारा इनके आज एक इष्ट देवता के मंदिर का उद्घाटन है, और सामाजिक दृष्टि से आज यहाँ सुंदरकांड का आयोजन भी गांव की ओर से कराया जा रहा है, तो हमको भी विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ पर आमंत्रित है, और विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाना है, और बहुत अच्छा, और समाज में विद्यालय की गरिमा है, इसी निमित्त क्षेत्र के लोग, समाज के लोग विद्यालय परिवार को आमंत्रित करते हैं, इसलिए हमारा संस्कार भी उजागर रहता है। तो यहाँ पे भी बन रही गर्मा गर्म पूड़ियाँ, देखिए पंडित जी बना रहे पूड़ी। तो यहाँ पे भंडारा बंटने लग गया है, भंडारा सबसे पहले बच्चों को बांटा जा रहा है, देखिए
पूड़ियाँ भी बन रही है, उसके साथ साथ सभी महिलाएं इसमें सहयोग कर रही है अपने अपने। बढ़िया हो रहा है प्रसाद, अच्छा हो रहा है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे प्रसाद आ गया भंडारे का। देखिए इसमें है, ये है छोले, आलू गोभी की सब्जी और कुमाऊनी रायता पूड़ी। तो आपको प्रसाद टेस्ट करके बताते हैं कैसा हो रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है प्रसाद। यहाँ पे बंदर भी आ गया प्रसाद के लिए।